वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। हमेशा टेक्निकल नॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे साइंस की, साइंस लखनऊ साइंस सिटी की। ऑल ओवर इंडिया में दो साइंस सिटी, एक हमारे पास कोलकाता में, दूसरा लखनऊ पे। आज हम लखनऊ साइंस सिटी में आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज की हुई है साइंस के, आज हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे और क्या होता है साइंस, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिटी इक्विपमेंट ऑफ लखनऊ, सबसे पहला इक्विपमेंट जो हमारे सामने है वो है गियर ट्रेन। गियर ट्रेन जो होती है वो किस प्रकार गियर से चलती है, उसका एक सिस्टम होता है, एक छोटा गियर, एक बड़ा गियर। जो चलता है ये हमारा रनिंग पोजीशन होती है गियर की। एक गियर के द्वारा हम दो गियर को एक साथ में चलाते हैं। ये हमारे पास जो मेन इसका हमारे पास एडवांटेज है गियर का, वो ये है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम आपका अगले टॉपिक पे। जो हमारे पास है वो वर्म गियर, वर्म पहिया है। हम किसी भी वेट को कैसे गियर के द्वारा ऊपर उठा सकते हैं, कितनी भी आसानी के साथ। हमारे पास 10 किलो का वाट अभी इसमें दिखाया जा रहा है। 10 किलो का वाट को अगर हम हाथ से उठाएंगे तो हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर हम इसको इस गियर के माध्यम से बहुत कम ही फोर्स के द्वारा हम इस गियर को आसानी से ऊपर की ओर उठा सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो भी इक्विपमेंट हमारे बनते चले जाते हैं वो हमारे पास धीरे धीरे साइंस के लिए एक एडवांटेज है। और ये जो हमारे पास गियर वर्म पहिया है, इसके द्वारा हम 10 किलो वेट को आपने देखा कितनी जल्दी इतना ऊपर उठा लिए हैं। दिस इज अ रोलर कॉस्टर। रोलर कॉस्टर के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो काइनेमेटिक एनर्जी में चेंज होती है। और काइनेमेटिक एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यू एक के बाद एक दूसरे पे चलती चली जाती है। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अब इस बॉल को हमने बॉल पुश करके छोड़ दिया, अब ये बॉल कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। और इसका सिर्फ एक प्रोसेस है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेमेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। और इसके बाद जहाँ पे हमने बॉल छोड़ी थी, बॉल उसी प्लेस पे फिर आ जा रही है। फिर अगर हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके कोई भी काम करते हैं तो काम आसानी से और पुनः हमें उसी स्थान पर मिल जाता है। जैसा अभी एक स्टूडेंट एक छोटा सा लड़का करने जा रहा है और वही दिखाएगा, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है अपनी काइनेमेटिक एनर्जी, लेकिन मैंने ताकत से इसको किया था। अब वो खुद करके दिखाएगा छोटा लड़का, जैसे सर खुद। आप देखिए इस वीडियो को और आप देख रहे हैं वही प्रोसेस एडाप्ट हुआ जो मेरे से हुआ था। मीन्स इसमें किसी प्रकार की कोई बाहरी फोर्स नहीं है, ये एक साइंस का इक्विपमेंट है, तो पूरी चीज़ें साइंस से ही रिलेटेड हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।